अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्टिन गिल के हवाले से, और सेकेंडली बात मैं करूँगा, कुछ कॉल्स वगैरह भी मुझे आई थी जो कि काफ़ी लोगों ने लॉस किया है, उनके हवाले से भी मैं यहाँ पे आज बात करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को दबा दें, ये बिल्कुल फ्री है। इससे ये होगा कि आपको बस मेरी जो नोटिफिकेशन हैं वो मिलती रहेंगी, ठीक है, वीडियोज़ की, तो आप अपडेट रहेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने इस वीडियो के बाद ये दो वीडियोस अपलोड की थी, यहाँ से हमारा जो IQ ऑप्शन का ट्रेडिंग के हवाले से जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिंपली गाइड करते हुए आगे लेके जाना चाह रहा था, तो मतलब आगे लेके जाऊँगा भी मैं, तो वीडियोज़ इंशाल्लाह आगे आ रही हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सेकेंडली बात बस ये है कि भाई भाई जी कल मुझे काफ़ी मतलब लोगों का, एक तो भाई कोई था मतलब कि 1 साल पुराना था भाई वो, उनके 16 लाख के करीब मतलब उन्होंने 1 साल में लॉस किया है। तो आज सुबह और भी काफ़ी लोगों के मैसेज है भाई हम लॉस कर गए हैं, भाई हमारी रिकवरी हो जाए, हम इतने लॉस कर गए हैं IQ ऑप्शन में। तो यार बात सीधी है कि आप यार लॉस करोगे, आप कोई प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं हो, ठीक है। बात सिंपली ये कहने की है कि भाई जब मैंने डिपॉजिट की वीडियोस बनाई थी तो सब लोगों ने उसको अच्छी तरह से देखा है, ये देखे ना, क्योंकि मसलों में वो उलझे हुए थे, ठीक है। तो अब वो डिपॉजिट पैसे हो गए हैं, तो अब वो समझ नहीं है कि भाई हम प्रोफेशनल हैं, हम तो यहाँ पे ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा लेंगे। तो यार ये गलत बात है, ठीक है, प्रोफेशनल कोई भी नहीं है। ये वीडियोज़ वगैरह मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, मुझे कोई मतलब आपके लिए ही बना रहा हूँ, आपके देखने के लिए बना रहा हूँ। तो इनको आप लोग देखें, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। और आप यकीन करें कि इस वीडियो पे मेरे सबसे ज़्यादा अनलाइक्स हैं व्यूज़ के हिसाब से, मतलब कि 89 के करीब सिर्फ व्यूज़ हैं और इस पे अनलाइक ज़्यादा हैं मतलब बाकी वीडियोज़ की निस्बत। तो इस पे अनलाइक इसलिए हैं कि भाई इस वीडियो से कई लोगों ने एग्री नहीं किया और उन जैसे बंदों के ही फिर लॉस होते हैं, ठीक है। मनी मैनेजमेंट जिस मर्जी प्रोफेशनल ट्रेडर से जाके आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरे जो मनी मैनेजमेंट है वो जरूरी है कि नहीं जरूरी, ठीक है। तो भाई यार अगर आप लोगों ने ये वीडियो से एग्री नहीं ना, तो आप YouTube पे जाके सिंपली ये सर्च कर लो और यहाँ से किसी और बंदे की वीडियो देख लो, या Google पे जाके सर्च करके देख लो। तो मनी मैनेजमेंट पर जरूर करो, अपनी मनी मैनेजमेंट जरूर करो। मैंने इस वीडियो में भी यही बताया था कि भाई मेरी वाली नहीं सही, अपनी पर मनी मैनेजमेंट आपको जरूरी है, एक रूटीन आपकी जरूरी है, ठीक है, वरना आप लॉस में ही जाएंगे भाई। जितनी मर्जी आपके पास अच्छी स्ट्रेटेजी हो, जो मर्जी कर लो, आप लॉस में ही जाओगे, ठीक है। तो अब यार नहीं एग्री किया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर पछताने का क्या फायदा, ठीक है। तो अब इस हवाले से मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए तो मैं यही कर सकता हूँ कि भाई अब मैं वीडियोस लाऊंगा तो आप लोग वेट करो और वीडियोस को अच्छी तरह से देखो, ठीक है, फिर आपकी कुछ रिकवरी हो जाएगी। तो वैसे तो होने नहीं वाली, या मैं तो कोई जादू तो नहीं मैं कर दूंगा कि रिकवरी हो जाएगी आप लोगों की। वीडियोज़ मैं लाऊंगा, उसमें आपसे तफसील से बताऊंगा, तो आपको आपने अगर एग्री करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो ना ना करो आप एग्री, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो IQ ऑप्शन पे यार चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो मार्टिन गिल के हवाले से आज मैं बात करूंगा कि भाई मार्टिन गिल क्या है और ये यूज़ करना चाहिए, प्रोफेशनल्स ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते, और सब चीज़ें जितने भी हो सकती हैं। और मुझे पता है आप लोगों में से शायद 60% लोग मार्टिन गिल या 70% लोग मार्टिन गिल का यूज़ भी करते हों, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि इसकी काफ़ी मतलब के रहा है कि भाई काफ़ी लोगों ने मार्टिन गिल से लॉस करवाया। तो यार अच्छा मेन बात पे आते हैं कि मार्टिन गिल क्या है, मार्टिन गिल क्या कोई स्ट्रेटेजी है, क्या है मार्टिन गिल? मेरे नज़दीक मार्टिन गिल कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मार्टिन गिल में ना तो हम मार्केट को देखते हैं, ठीक है, ना हम कोई इंडिकेटर देखते हैं, ना और कोई चीज़। मार्टिन गिल में होता क्या है भाई, $1 का ट्रेड लिया, उसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ टाइम, और पुट पे लगा दिया। पुट या कॉल में एक आप सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट अपना जो बिड है वो तैयार रखो $3 का, ठीक है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हो आप। ओके अच्छा, तो अगर ये आपको लॉस हो जाता है ना, तो आपने आप में से काफी लोग इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा लॉस वगैरह हुए हैं जिनको, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, उनको पता होगा वो मार्टिन गिल का यूज शायद करते भी हों। तो भाई दोबारा से इस यहाँ पे हमने पुट ही कर देना है,
ठीक है, मार्टिन गिल में ये होता है कि $1 का अगर हम यहाँ पे ट्रेड लॉस कर जाते हैं तो हमने पुट कर दें, बेशक हम विन भी कर दें फिर भी हमने पुट ही कर देना। ये कुछ होती है मार्टिन गिल में। तो मार्टिन गिल यूज करना चाहिए कि नहीं? भाई मैं रिकमेंड करूंगा मार्टिन गिल फर्क चीज है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। मार्टिन गिल कौन यूज कर सकते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये देखें जी, हम विन कर गए हैं, प्रैक्टिस काउंट है, रियल काउंट पे तो मैं करने ही नहीं वाला, मार्टिन गिल को यूज मैं करता ही नहीं। तो भाई मार्टिन गिल प्रोफेशनल जो बंदे हैं वो यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और सेकेंडली चीज़, मार्टिन गिल यूज़ हो सकता है टूर्नामेंट्स में, यहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं आपको पता होगा इस चीज़ का, टूर्नामेंट में यूज़ होता है क्योंकि टूर्नामेंट में सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, तो मार्टिन गिल टूर्नामेंट में यूज़ करने के लिए बेहतर है। मार्टिन गिल प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ करने के लिए बेहतर है, बिगनर्स मिडिल लेवल के बंदों के लिए, मतलब जो मिडल में है अभी IQ ऑप्शन में या ट्रेडिंग के हवाले से, उनके लिए मार्टिन गिल एक दुश्मन है और भाई इसको ज़रूरत नहीं यूज़ करने की, या नॉर्मल डे की ट्रेडिंग में मार्टिन गिल को यूज़ करना तो बेवकूफ़ी है, बस मैं यही कहूँगा। और ये देखें हम विन कर गए, और फिर से 1 मिनट का कर लेते हैं अभी, और फिर से पुट हुए हम करेंगे, तो ऐसे करके ये कुछ स्ट्रेटेजी, और फिर हम 9 पे ले जाएंगे, फिर उसको ऐसे ऐसे बढ़ाते ही जाएंगे। ठीक है, ऐसी ये एक स्ट्रेटेजी है मार्टिन गिल, ठीक है। और आपको पता है, मुझे पता है मार्टिन गिल का आपको पता होगा, भाई मैं सिर्फ यहाँ इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि मार्टिन गिल आप यूज ना करो। जितने बंदे अगर मार्टिन गिल को यूज कर रहे हैं तो वो ना करो। अगर आप शायद खुश होते हो कि अगर आपने $10 का डिपॉजिट किया तो आज आपका $100 हो गया हो मार्टिन गिल के हवाले से, शायद आपकी किस्मत इतनी चमक गई हो, पर वो आपका $100 इसमें उस लॉस भी होगा ऐसे ही जैसे आपने मार्टिन गिल से लिया है। ठीक है, तो भाई मार्टिन गिल को यूज ना करो, मैं यही कह सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट के हवाले से मुझसे एग्री नहीं, शायद कई लोगों ने नहीं किया होगा एग्री, पर ये भाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जितनी मर्जी दुनिया की स्ट्रेटेजीज ले ले आओ, जितनी मर्जी जो मर्जी कर लो यार, मैं आपसे इस चीज को ना करने को तैयार हूँ कि भाई जो मर्जी कर लो, मनी मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी ना आपकी, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी अब आपकी मर्जी, आपने एग्री करना है मेरी बात से कर लो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है भाई। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी रही बात नेक्स्ट वीडियोस की, कैंडल के हवाले से लेके मैं आऊँगा वीडियोस कैंडल का, उसमें सब डिटेल से बताऊँगा, और उसके अलावा आपको मैं और चीज़ें भी बताऊँगा, तो सब्र से चलें और मेरे साथ साथ चलें। ठीक है, तो कुछ सीख के चलें, मार्केट भरी भरी है, मार्केट से मुड़ा यूट्यूब भी भरी भरी है, उसके अलावा गूगल भी भरा पड़ा है, स्टडी करें। ठीक है, तो मतलब पढ़ें ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग क्या है और कैसे यहाँ पे चलना है, तो ठीक है आप लर्निंग करें अपनी, तो ताकि आपको समझ आ सके, और मतलब ट्रेडिंग सीखे बगैर तो करनी ही नहीं चाहिए, ये आपको लॉस करवाती है, बहुत बहुत ज़्यादा लॉस करवाती है, और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता इंसान के पास। ठीक है, तो यार अपना ख्याल रखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, तो अगर यार आप लोग एग्री नहीं करते तो अनलाइक भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। अपना ख्याल रखो, टेक केयर अल्लाह।